सरकार पलटने के बाद अब बहुत सारी अपेक्षाएं किसानों मजदूरों से व्यक्त की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र ने तो विशेषतः कांग्रेस को और आदिवासी क्षेत्र ने भी अपने सहमति जताई है, और इसीलिए ये 15 साल के बाद हुआ हुआ बदल लोगों को अपेक्षाएं उनके सामने रखने के लिए तैयार कर रहा है। नर्मदा घाटी की ही बात ले ले तो नर्मदा के घाटी के हजारों हजारों परिवार एक एक बांध में सरदार सरोवर जैसे, ओंकारेश्वर महेश्वर जैसे विस्थापित होते हुए भी कभी भी संवाद शिवराज सिंह सरकार ने नहीं किया। और जो भी हमने कोर्ट में हासिल किया वो खुद की हासिल ही बताते हुए रंजना बघेल जैसे विधायक या मंत्री ने भी अपने अपने दावे लगा दिए जो झूठ थे और साबित भी हो गए। यहाँ कोई कंपनी ने अगर मान के परियोजना के लाभार्थी आदिवासियों की जमीनें ले ली और नर्मदा के किनारे का रेत खनन हो अवैध या शराब हो, नर्मदा सेवा यात्रा पर 2000 करोड़ खर्च करने के बावजूद जारी रहा। इस सब से त्रस्त किसान मजदूरों ने अर्थात सरकार बदलने में अपना योगदान दिया, नहीं तो नर्मदा का मुद्दा इतना राजनीतिकरण के कारण शिवराज सिंह चौहान सरकार को बख्शेगा ऐसे उनकी अपेक्षा शायद थी। पर साथ साथ दोनों के घोषणा पत्र कांग्रेस और भाजपा के अगर देखे परखे और हमारे लोकमंच पर उनके ही प्रत्याशियों ने आना किया या नहीं किया और जो प्रतिनिधि आए उन्होंने जो जवाब दिए उसमें भी जमीन आसमान का अंतर था, क्योंकि कांग्रेस ने किसानों को स्पष्ट रूप से 2 लाख तक कर्ज माफी दी, स्वामीनाथन आयोग और 1.5 गुना दाम का भरोसा दिया, तो मध्य प्रदेश के भाजपा की सरकार होते हुए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में उसका उल्लेख तक नहीं किया। उनके घोषणा पत्र में महिलाओं के बारे में कोई संभागी नहीं था। कांग्रेस ने बहुत सारे आश्वासन दिए, नर्मदा पर एक पन्ना भर कांग्रेस ने जो जो कहा है उसमें नर्मदा आंदोलन के खिलाफ डाले गए झूठे प्रकरण वापस लेने से लेकर हर परियोजना प्रभावित परिवार को मकान के लिए अधिक अनुदान देने तक और पूरे कोर्ट के फैसलों का पालन करने तक सब बातें आ गई। लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में नर्मदा पर जो चंद मुद्दे लिखे गए थे वो बिल्कुल ही ऊपरी स्तर के थे और घाटी के लोग फंसाए नहीं जा सकते थे, और इसीलिए घाटी में मनावर हो, कुक्षी हो, धर्मपुरी हो या आ, आ, राजपुर और खरगोन तक की बड़ी कसरावत तक की बात हो, घाटी के किसान मजदूर मछुआरों ने भरसक कांग्रेस को साथ दे दी। इस वक्त अब कांग्रेस की सरकार आने के बाद निश्चित रूप से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। पहले तो घाटी के किसी ऐसे विधायक को मंत्री बन देना चाहिए जो लाल सिंह आर्य जी जैसे भ्रष्टाचार में या अन्य किसी भी आरोप में कभी भी आरोपित नहीं हो पाए, और जो केवल शिक्षित नहीं पर समझदार हो, ईमानदार हो और नर्मदा के मुद्दों पर सक्रियता जिन्होंने दिखाई हो। हम जानते हैं कि पूरे नर्मदा घाटी में करीबन 86 मतदार संघों में से करीबन 40 कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, और इसीलिए गए हैं क्योंकि केवल होशंगाबाद जैसे कहीं शहरी और मध्यम वर्गीयों के वोट नहीं मिले पर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के किसान मजदूर मछुआरों ने संपूर्ण साथ दी। तो अब अपेक्षा है कि वो नर्मदा को बचाने की कोशिश करें। गुजरात के साथ संघर्ष नहीं कर पा रहे थे, एक सवाल नहीं उठा पा रहे थे भाजपा के नुमाइंदे, तो ये ज़रूरी है कि गुजरात जो पानी अपनी कंपनियों को दे रहा है और यहाँ किसानों की नर्मदा सूखी पड़ी है उसको फिर से जीवित करने की दृष्टि से करें, और ये तमाम बातें चाहे वो पुनर्वास जो बाकी है हजारों परिवारों का उसकी बात हो, चाहे बांधों के पानी का नियमितीकरण हो, ये सभी लोगों के साथ बातचीत करके ही तय होना चाहिए। केवल अपने मन की बात कांग्रेस की नई सरकार नहीं करेगी, ये हमारी अपेक्षा है और विश्वास है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की कंपनियों में भी जो नर्मदा के पानी और खेती लेकर चलती है, इसमें सेंचुरी से लेकर पीथमपुर तक की कंपनियाँ हैं, जो अंधाधुंध चल रहा है, जो किसानों के साथ साथ मजदूरों पर भी अत्याचार ला रहा है, और कहीं सेंचुरी मिल्स देने की बात बिरला समूह करता है, करने के लिए मजबूर होता है, तो उसके साथ सरकार ने नहीं दी, कभी संवाद नहीं किया, तो वहाँ से भी चुनके आए विधायक ही नहीं कमलनाथ जी की सरकार
इसमें हमारे साथ संवाद करेगी और उसके ही आधार पर मजदूरों के भी पक्ष में अपना निर्णय और नीति बनाएगी। कॉरपोरेटीकरणवादी विकास हमें नहीं चाहिए, ये एक प्रकार से लोगों ने अपना बयान दे ही दिया है। अब झूठे दावों के बदले जो दावे मंजूर किए गए थे, जो आश्वासन दिए थे, वही संसद के चुनाव के पहले पूर्ण सही है कांग्रेस।